हाय एवरीवन, वेरी वेलकम टू यूट्यूब चैनल लुक गॉर्जियस बाय वर्तिका। डे 43 पे पहुंच गई हूँ मैं ऑफ माई 100 डेज ऑफ वेट लॉस चैलेंज। डे 43 24 जून थर्सडे 60.0 kg। एंड कोई टेंशन की बात नहीं अगर वेट ज़्यादा आ रहा है तो। एक तो कल मैंने थोड़ा सा काइंड ऑफ चीट किया था, मिठाई थोड़ी ज़्यादा हो गई थी रात को। एंड अदर देन दैट मैं फ्रेश नहीं हुई हूँ अभी, मैं बहुत ज़्यादा जल्दी उठी हूँ, कम्प्लीटली शेड्यूल चेंज्ड है तो ऑब्वियसली वेट विल शो अप। सो वेट आज हल्का फुल्का सा बढ़ा हुआ आ रहा है, बट दैट्स कम्प्लीटली ओके। वेट तो फ्लक्चुएट करता ही है, रोज़ाना आपको सेम वेट वेइंग मशीन पर नहीं दिखेगा, ना ही रोज़ाना आपको वेट कम होता हुआ आपकी वेइंग मशीन पर दिख सकता है। ऑल्सो 60 kgs पर मैं पहुंच गई हूँ, लाइक आई हैव ऑलरेडी लॉस्ट 15 kgs नाउ। तो उसके बाद में वेट कम करना डेफिनेटली गेट्स डिफिकल्ट। पहले बहुत आसान होता है, बहुत सिंपल बेसिक इंडियन डाइट के साथ आप कम कर सकते हैं, बट विद टाइम वेट कम करने में थोड़ा सा दिक्कत आने लगती है। मैं आज जो आपके साथ अपना डाइट रूटीन शेयर कर रही हूँ, दिस इज़ वेरी बेसिक वेरी सिंपल इंडियन डाइट। अक्सर लोग इंडिया में ऐसा ही खाना रोज़ाना खाते हैं एंड इट इज़ फुल ऑफ कार्ब्स। फर्स्ट मील ऑफ द डे मैंने एक नारियल पानी पिया, देन लगभग 40 मिनट के बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट कर पा रही हूँ। पहले मैं बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड थी, तो मैं ब्रेकफास्ट में बेसन का चीला खा रही हूँ जिसको मैंने 1 टीस्पून देसी घी में कुक किया। देन लंच टाइम, लंच में मैं आलू प्याज वाले चावल खा रही हूँ। ये लगभग 340 ग्राम्स हैं कुकड वाले, और इसकी रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल कुक विद कैलोरीज में है। 350 to 370 कैलोरीज के हैं ये। देन 2-2.5 घंटे के बाद मैं एम हैविंग माई मिड आफ्टरनून स्नैक, जिसमें मैं 200 ग्राम्स पपाया खा रही हूँ और 150 ग्राम्स लीची खा रही हूँ। देन लगभग 1.5 घंटे के बाद में मैंने आधा घंटे के लिए ब्रिस्क वॉक की थी, बहुत फास्ट वॉक की थी, और फिर 15 मिनट के लिए हल्का फुल्का डांस किया था। एंड उसके बाद में आई एम हैविंग वेरी अर्ली डिनर कर रही हूँ मैं, और फिर उसके बाद देख लूँगी कोई इवनिंग स्नैक मेरा जो रह गया वो खा लूँगी, बट अभी के लिए आई एम हैविंग माई डिनर। 2 रोटी खा रही हूँ मैं, भरवां टिंडे की तरी वाली सब्ज़ी खा रही हूँ, और इसकी रेसिपी आपको कुक विद कैलोरीज चैनल पर मिल जाएगी विद कैलोरी काउंट। इसमें सिर्फ 111 कैलोरीज होती है 1 सर्व में, मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा सर्व लिया तो ज़रा सी ज़्यादा हो जाएगी। डिनर करने के बाद में मैं एक मैंगो खा रही हूँ। डिनर करने के लगभग 2.5 घंटे के बाद में मैं काजू और पिस्ता खा रही हूँ, सॉल्टेड एंड रोस्टेड। एंड इसके बाद अभी मुझे सोने में बहुत टाइम है, मैं एकदम से इतना सारा खा के नहीं सोती हूँ। अभी ईज़िली मुझे 2 घंटे हैं अभी सोने में, तो इतना तो मतलब मुझे लगेगा ही नहीं, तो भूख लग जाएगी बहुत गंदे वाली और फिर कुछ क्रेविंग्स होकर गलत खाऊँ। इससे अच्छा कुछ हेल्दी स्नैक खा के सो जाऊँ। और मैंने यहाँ पर लिए हैं 10 ग्राम्स कैश्यू नट्स और मैंने 7 ग्राम्स पिस्ता कर्नल्स लिए हैं। ठीक है, लगभग 12 पिस्ता हैं और लगभग ये 8 काजू है, छोटे साइज़ के होंगे। आज के दिन का पूरा डाइट देख लिया ना, एंड बहुत सिमिलर होगा ना कितने सारे लोगों की इंडियन डाइट से। डेफिनेटली चावल खाना या फिर रोटी खाना या फिर बहुत सारे फ्रूट्स खाना, वेजिटेबल्स खाना, यही सब तो खाते हैं ज़्यादातर लोग। दाल भी खाते हैं, बट दाल में भी बहुत कम प्रोटीन होता है ना, उतना ज़्यादा तो नहीं होता है। और बेसन का चीला मैंने खाया, प्रोटीन तो है बट कितना कम होगा ना ओवरऑल। एक हेल्थ एप्लीकेशन के द्वारा मैंने अपने डाइट को पूरा फिल किया इस डे के, और फिर ये इंसाइट्स आए हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे प्रोटीन की मात्रा कितनी कम है। सो दैट इज़ द रीज़न हर डाइट में हमेशा ये रिकमेंडेड होता है कि आप प्रोटीन शेक को इंक्लूड कर लें। या तो आप बहुत सारा खाना खाएंगे, अगर बहुत सारा दूध दही आप ये सब चीज़ें लेते हैं ना, अगर बहुत सारे एग्स चिकन, तब जाके आपका पूरा दिन का प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो पाता है। लाइक अगर मेरा वेट 60 kg है तो एटलीस्ट 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मुझे 1 डे में लेना चाहिए, ताकि मेरी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर पाए, मेरी हेल्थ ज़्यादा अच्छी हो और मुझे वेट लॉस जर्नी में ज़्यादा हेल्प मिले। बट मैं अपनी कैलोरीज नहीं बढ़ा सकती हूँ ज़्यादा, मुझे विद इन कैलोरी लिमिट रहना है। तो ऐसे में अपनी डाइट की चीज़ों को इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर सकती, अदरवाइज मैं हमेशा नेचुरल प्रोटीन लेने को ही रिकमेंड ज़्यादा करूँगी। बट वो वेट मेंटेनेंस या फिर वेट गेनिंग में फिर भी पॉसिबल है, बट व्हेन इट कम्स टू फैट लॉस और वेट लॉस आपको सप्लीमेंट करना पड़ता है। सो जब हम सप्लीमेंट करते हैं ना, देयर आर लाइक सो मेनी ब्रांड्स, बहुत अच्छे अच्छे भी हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम पता है क्या होती है, टेस्टी तो बहुत होंगे लेकिन फिर उसमें आर्टिफिशियल शुगर एडेड होती है और वो तब प्योर और ओरिजिनल और नेचुरल नहीं होता। सो विच आई डोंट लाइक। थोड़ा सा मैं टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी हूँ, बट आई नीड द नेचुरल वन। सो मैं यहाँ पर एज इट इज़ का प्रोटीन प्रेफर करती हूँ। मैं पर्सनली अपने घर में मेरे भाई के लिए और अपने लिए आज के टाइम पर हम लोग एज इट इज़ का प्रोटीन इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले भी मैंने आपको सोया प्रोटीन दिखाया था ना, वो तो हम लोगों ने रोटी में ऐड कर करके बहुत खाया है, सो दैट वाज वेरी गुड। देन फिर हमने ट्राई किया ये एज इट इज़ का वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। ये वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है ना जो एज इट इज़ का, यू कैन सी इट इज़ अनफ्लेवर्ड, इट डज नॉट हैव एनी एडिटिव्स एडेड, इट इज़ undenatured, it is preservative free and it is tested for purity and heavy metals. ना ही इसमें कोई एडिटिव्स है, ना ही इसमें कोई फ्लेवर है, ना ही इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स है. अब इसको डायरेक्टली पानी में आधे से एक स्कूप घोल करके पी सकते हैं, बट दैट डजंट टेस्ट दैट गुड विच इज रिटन ऑन द पैकेज एज वेल, बिकॉज ये नेचुरल है तो ऐसा ही होगा. सो बट स्टिल मैं फिर भी प्रेफर करती हूँ पानी में पीना, बिकॉज उससे पता है क्या होता है, पूरा मैं एक ही बार में पी लेती हूँ और मेरा पूरा प्रोटीन रिक्वायरमेंट मुझे मिल जाता है. ठीक है, अदर देन दैट आप क्या कर सकते हैं, आप रोटी के आटे में ऐड कर सकते हैं, आप अपनी दाल में ऐड कर सकते हैं, ऊपर से आप मिक्स कर सकते हैं, फिर इसको आप दही में ऐड करके, फ्रूट्स ऐड करके, फिर इस तरीके का स्मूदी टाइप कुछ बना करके ले सकते हैं. मेरे लिए अपने लिमिट में रहना, वेट रेंज में रहने के लिए आज के टाइम पे कैलोरीज बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इस पर ये भी मैंशनड है, इसमें 119 कैलोरीज है पर सर्विंग और 30 ग्राम्स का एक स्कूप रहेगा, टोटल 33 सर्विंग्स होंगी एक पैकेट में और प्रोटीन आपको मिलेगा 24 ग्राम्स. ठीक है, विच इज अ गुड अमाउंट एंड डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन व्हेन इट कम्स टू वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट. एंड साथ ही में फिर इसमें बहुत अच्छा अमीनो एसिड का प्रोफाइल है, इसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है जैसे कि वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट में होने भी चाहिए हैं. Anyone can use it, चाहे वेट मैनेज करना है, चाहे लॉस करना है, चाहे गेन करना है, टू गेट दैट टोन्ड बॉडी जिनका कहते हैं ना कि सैगी स्किन हो रही है, फ्लैबी स्किन हो रही है, क्या वेट लॉस करते हुए आपकी स्किन तो नहीं ढलक गई और वो सब. अरे अगर आपका प्रोटीन कंटेंट अच्छा होगा ना, प्रोटीन की मात्रा आप अच्छे से लेते होंगे तो आपकी बॉडी बहुत टोन्ड रहेगी जब आप अपना वेट लॉस करेंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट. बट प्रोटीन को चाहे आप वर्कआउट नहीं भी करते हैं तो भी ले सकते हैं, और अगर आप वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट करने के बाद प्रोटीन को लेना इज़ वेरी गुड. As It Is का वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट लैबडोर सर्टिफाइड एंड अप्रूव्ड प्रोडक्ट है, 2-स्टेप प्रोडक्ट वेरिफिकेशन के साथ में फुल प्रूफ है. इट इज़ ऑल्सो एंडोर्स्ड बाय 100+ नेशनल लेवल एथलीट्स एंड इट इज़ इंडियाज़ मोस्ट रिव्यूड वे प्रोटीन ब्रांड. Unflavored protein with no preservatives, no fillers, no sugar, no flavor. 24 gram of protein in each scoop, which is 80% of protein in each scoop, and it also has an excellent amino acid profile. सो प्रोटीन को खरीदने के लिए लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आप मेरी वीडियो के टाइटल को क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिख जाएगा, वहां से आप फिर इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं. आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, रियलिस्टिक लगी होगी, बिकॉज ऐसे ही होती है यार इंडियन डाइट्स पर. प्रोटीन कम होता है तो थोड़ा प्रोटीन बढ़ा देना चाहिए. आई एम नॉट लाइक दैट कि बहुत प्रोटीन खाना चाहिए, प्रोटीन का आई एम नेवर लाइक दैट, बट यार थोड़ा तो खाना चाहिए ना. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ एट द एंड ऑफ द डे एंड हमारी वेट लॉस या वेट मेंटेनेंस जर्नी में इट जस्ट हेल्प सो मच. मसल्स को बिल्ड करने में बहुत अच्छा हेल्प करता है, तो मसल्स अगर अच्छे होंगे तभी तो फैट कम होगा ना. सो thank you so much for watching. I will see you guys in my next video. Till then, take care, look gorgeous, live healthy.